आज एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई, पर अनफॉर्चुनेटली वो डेड एंड था। कोई बात नहीं मिस फारूकी, आप आज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, शायद कल पहुंचे। देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस शख्स की वो तलाश कर रही थी वो इस दुनिया में नहीं है। 15 साल पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है। रजिया भी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शुक्रिया, चलता हूँ। जो चिंगारी हमारी तरफ आ रही थी आज खुद अपने आंसुओं से बुझ गई। मैं खुद खासी कमीनी मशहूर हूँ, पर बाखुदा तुम जैसी कमीनी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। एक बेटी को उसके बाप के जीते जी ये यकीन दिला दिया कि उसका बाप मर चुका है। कमीनापन तो तुम्हें भी कम नहीं है। और तुम्हें क्या उसके आंसुओं से फर्क पड़ गया? मुझे भला मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाओ और जोया के इस मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करो। उसकी तलाश तो मैंने यही खत्म कर दी है हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो यही रही ना, मुझे अपनी हार का डर हमेशा बना रहेगा और रजिया कभी हारती नहीं। हराऊंगी तो मैं तुझे रजिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे जलील करके मिट्टी में मिलाऊंगी। बस वक्त आने दो। तुम क्या सोचने लगी बिल्लू रानी? कुछ भी तो नहीं, बस यूं समझ लो कि काम हो गया।
आई विश मिस्टर खान मैं अपने अब्बू को एक बार देख पाती, सिर्फ एक बार देख पाती मिस्टर खान। बिल्कुल वैसी जैसे आपको अच्छी लगती है। मिल्क एंड शुगर। थैंक यू मिस्टर खान, अगर आज आप वहां पे नहीं होते तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे काबू में रखती। मैं जानता हूं ये वक्त आपके लिए कितना मुश्किल है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, इफ यू नीड एनीथिंग, आई एम हियर। हमेशा सोचती थी मिस्टर खान कि मेरे अब्बू मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्यों मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे ढूंढने नहीं आए। पर आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। जानते हैं मिस्टर खान, अब्बू के इस दुनिया में ना होने का मुझे बहुत दर्द है, पर मुझे इस बात का सुकून है कि उन्होंने कभी मुझे छोड़ना नहीं चाहा। किस्मत ने उन्हें मुझे ढूंढने का मौका ही नहीं दिया। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती मिस्टर खान, कभी पूरी नहीं होती, उनकी किस्मत में अधूरा रहना लिखा होता है। और मेरे इंडिया आने का मकसद भी अधूरा होने के बावजूद पूरा हो चुका है।
बहुत अफसोस हुआ सोया, तुमने अपने जीजू और आपी को बताया? अभी बता दूंगी, पप्पी मैं अपने रूम में जा रही हूं। जाके आराम करो बेचारी, कितनी उम्मीदें लेकर आई थी कि यहां आकर अपने अब्बू को तलाश करेगी, लेकिन अम्मी उनकी आप ही उनके साथ क्यों नहीं आई? आखिर वो उनकी भी तो अब्बू थे ना। वो जोया की सगी बहन नहीं है, वो लोग तो जोया की अम्मी को थोड़ा बहुत जानते पहचानते थे, लेकिन उनका दिल देखो, जब उन्हें ये पता चला कि जोया की अम्मी का इंतकाल हो गया है और जोया को यतीम खाने भेज दिया गया है, तो वो यतीम खाने गए और जोया को अडॉप्ट करके ले आए। उस बेचारी का तो इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी के घर की मेहमान है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि कम से कम मम्मी को बताकर आती? ये सिखाया आपके मां बाप ने आपको? आपकी समझ में आएगा कैसे? क्योंकि इंसान में तहजीब और अदब की बुनियाद बचपन में डाली जाती, मां बाप डालते, लेकिन शायद आपके मां बाप के पास आपको अदब सिखाने का वक्त नहीं था, कहीं और मसरूफ थे। मैं जानता हूं इन रिश्तों की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है, शायद इसलिए खुदा ने आपको आपकी अम्मी नहीं दी। आप सही कह रही थी, मेरा वाकई में मुझसे प्यार करती हैं। मैंने कहा था ना रॉबर्ट, आप तो वाकई में तेज निकली मोना, चुटकी बजाते ही सच पता कर लेती हैं। हमेशा नहीं पता चलता, कभी कभी सच पता करने में बहुत देर हो जाती। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन सबसे कैसे डील करूं। मोना रॉबर्ट, लोगों की उम्र निकल जाती है, उन्हें प्यार नहीं मिलता। तुम्हें मिला है, तुम इसकी कद्र करो, रिस्पेक्ट इट। मेक श्योर रॉबर्ट कि तुम उसे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे, कभी हर्ट नहीं करोगे। मोना आप ठीक तो हैं? और ये म्यूजिक कैसा बज रहा है? कुछ नहीं, ये बहुत पुरानी ट्यून है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। हे लिसन रॉबर्ट, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। मैं उमेरा को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। और मेरे इंडिया आने का मकसद भी अधूरा होने के बावजूद पूरा हो चुका है। आई शुड गो बैक। उस बेचारी का तो इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे उसी वक्त मिस फारूकी को जाने के लिए मना कर देना चाहिए था। मैं तो मैंने अपने आप को क्यों रोका?
आपका नाश्ता। आपको कुछ और चाहिए? जी, शुक्रिया। मिस फारूकी ने आ रही ब्रेकफास्ट किया? टमाटर जाओ देख कर आ। जी नजमा, एक मिनट रुको। असद, उसे थोड़ा वक्त दो। लगता है कल रात बहुत लेट सोई वो, क्योंकि बहुत देर तक उसकी रूम की लाइट ऑन थी। अगर लेट सोई है तो जल्दी उठाना ठीक नहीं है। वैसे भी बहुत गमगीन है वो। मैं देखती हूँ। जैमी, जोया हिम्मत वाली लड़की है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। भाईजान, किसी ट्रैवल एजेंसी से कोई आया था? टिकट्स? सुया के न्यूयॉर्क की टिकट्स हैं। सुया संडे को न्यूयॉर्क जा रही है। I should go back.